सोफाइल के हमारे YouTube फैमिली से एक भाई थे जिन्होंने कमेंट करके हमसे कहा था कि ये जो पीछे हमारे जो कांच लगा है दुकान में और इसमें जो ये ग्रिल लगी है, ये सब कैसे फिटिंग है, क्या है, इसके बारे में उनको जानना था, क्योंकि उनको अपने दुकान को अपडेट कराना है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस पर एक वीडियो बना के ट्यूटोरियल दीजिए। तो मुझे लगा कि चलिए उनके कहने पर एक वीडियो बना दिया जाता है, हो सकता है किसी और के भी काम आ जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका शॉप है, ये तो खैर हमारा नॉर्मल सा शॉप है, लेकिन अगर आपको अपने शॉप को अपग्रेड करना है, नए तरीके से बनाना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही तरीके से बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। और किस तरीके में कितना कॉस्ट पड़ेगा, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रिल वाला ये दुकान का सेटअप का जो टॉपिक है, ये इतना लंबा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी ये मैं कहूँगा, लेकिन आपको यकीन मानिए कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब ये वीडियो देख लोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग ये सब काम करवा चुके हैं तो उनके इसके बारे में आइडिया हो, लेकिन जिनको ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता है अभी भी या फिर नया शॉप खोलने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहली बात, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो मान के चलिए आपके दुकान का सेटअप है, तो आप किस टाइप से करवाना चाहते हो, आपको बजट कितना, ये डिपेंड करता है। ये जो मैंने सेटअप कराया है, ये सेटअप और प्लाई वाला सेटअप लगभग देखा जाए तो अभी के डेट में मैं जब कराया था तब मुझे ये सेटअप सस्ता पड़ा था, लेकिन अभी के डेट में प्लाई वाला सेटअप भी सस्ता ही है। थोड़ा बहुत का फर्क आता है, लेकिन लुक बहुत अच्छा मिल जाता है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप लोगों को सेटअप करवाना है, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा, लेकिन अभी के डेट में सबसे बेस्ट अगर मोबाइल शॉप के लिए मैं कहूँ तो वो आता है कि आपका प्लाई लगा रहता है, यहाँ दीवार में ही प्लाई फिट होगा या फिर पीछे भी प्लाई फिट होगा। कई लोग तो डायरेक्ट दीवार में ही प्लाई फिट कर दे रहे हैं पतला, और पीछे भी प्लाई माइका फिट हो रहा है, और उसके बाद से उसके बीच में कांच लग रही है, तो दोनों तरफ प्लाई और प्लाई के ऊपर माइका चिपका रहता है। तो जो ये सेटअप आप देख रहे हो इतना बड़ा बड़ा, ये और छोटा रहना चाहिए प्लाई, ये जो कांच थोड़ी अंदर तक रहनी चाहिए, मतलब ये जितना कांच ये डबल हो गया है, मेरे को इतने तक की कांच की जरूरत थी, मैंने डबल करा दिया। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना, मोबाइल दुकान में इतनी गहराई की जरूरत नहीं है आपके शॉप की, ये इतना तक काफ़ी है, तो ये चीज़ रखना है। और दूसरी चीज़ कि आपको प्लाई वाली सेटअप कराना है, मैं आगे बताऊंगा कैसे कराना है, क्या कराना है, वीडियो आप पूरा देखिए। तो आपको क्या करना है, कांच तो पहले आधा कर लेना है। दूसरा चीज़ कि आपको यहाँ पे जो प्लाई लगा रहता है तो उसमें क्या है, प्लाई ऐसे खड़ा पूरा प्लाई लग जाएगा। दूसरे साइड आपकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना साइज रखना चाहते हो इसकी लंबाई, और वहाँ पे दूसरी प्लाई ऐसी खड़ी हो जाएगी और उस प्लाई में ग्रिप लगेगा, क्लिप। और क्लिप कैसा टाइप का होता है मैं आपको ये रहा, ये देखिए, ये मेरे को यहाँ सपोर्ट के लिए मैंने दिया है, ये इस टाइप की क्लिप प्लाई में ठुकती है और इसके अंदर आपका कांच जाके घुस जाता है ऐसे टाइप की क्लिप में, और ये कांच आपका सीधा अंदर ऐसे प्लाई में, जिस तरह ये घुसा इस तरह से प्लाई में वो ठुक जाएगा और उसमें कांच घुसेगा, उसका लुक बहुत बेहतरीन आता है। प्लाई के अंदर आप अपने हिसाब से माइका वगैरह फिट करा सकते हैं जो चमकता है। माइका किसे बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा काउंटर, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जैसे ये काउंटर है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइका निकला हुआ है, रेड कलर का माइका लगा है जिसपे फिनिशिंग एकदम प्लेन दिखता है और ये टूटा हुआ माइका दिख रहा है। तो ये जो है ये प्लाई होती है, प्लाई को काट काट के इसके ऊपर माइका चिपकाया जाता है, तो इस टाइप से होता है आपका प्लाई और माइका, देख सकते हैं। तो इसके ऊपर माइका आप जिस तरह से लाल, पीला, हरा, नीला, भूरा, जो भी कलर चाहिए, जैसा भी चाहिए, आप उस पर पूरे प्लाई के ऊपर आपका माइका चिपक जाता है और उसके बाद उस पर जब कांच लगती है तो उसका लुक बहुत बेहतरीन आता है। तो मोबाइल दुकान के लिए सबसे बेस्ट वही है, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज इसको करा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की अगर इसको ग्रिप लगाना है, ये सब चीज़ बताएगा कौन, कहाँ से क्या होगा, सेटअप कैसे होगा, तो इसके बारे में आपको सबसे पहला बड़ा ही पकड़ना है, जो आपके आसपास जो कोई लकड़ी का काम करता है वो आपका ये कांच का भी सेटअप कर देगा और ये आपका काउंटर वगैरह भी बना देगा। तो ये सारा काम बड़ा ही का है, तो आप लोग को बड़ा ही पकड़िए, जो कि आपका कहीं पे भी जो लकड़ी के काम करते हैं, जो ये काउंटर बनाते हैं, किसी के दुकान में देखिए काम चल रहा हो तो वहाँ से पूछ लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, या फिर आपके दुकान के आसपास मार्केट में देख लीजिए जहाँ ये सब काम चलता हो, या फिर किसी भी शॉप वाले का जो दुकान बना आपके आसपास उनसे पूछ लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर, कोई तो दे देगा, हर कोई ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जब वो कॉन्टैक्ट नंबर किसी भी बड़ाई का दे देगा जो आपका काउंटर बनाता हो, वो सारी डिटेल आपका नाप जोख कर देगा कि कैसे लगाना क्या करना है। ये उस समय मैंने लिया था, तो ये जो ग्रिप है और ये जो है ये सारा कुछ हमारा जहाँ से कांच हमने मंगाया था, अब ये सारी चीज़ें बड़ाई को जानकारी होती है, कांच कहाँ से मंगाना है, क्या करना है, सब वो बता के देगा आपको, एक एक चीज़ आपका लुक कैसा दुकान का रहेगा, मोबाइल दुकान बनाना तो कौन सा लुक रहेगा, उनके पास फोटो भी रहती है, तो सारी डिज़ाइनें आपको दिखाएंगे कि आपको कैसा बनवाना है, क्या है, सारा कुछ बड़ा ही करके देगा, और वो आपको खुद बताएगा कैसे कैसे आपके दुकान में सेटअप आएगा, कितने का खर्च बैठेगा, क्या है, कितने का प्लाई, कितने साइज का क्या लाना है, सब कुछ वो बता के आपको देगा, क्योंकि वो लोग आपके दुकान की साइज नापेंगे, उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज करेंगे और सारी चीज़ें आपको बता के देंगे। दूसरी चीज़ की ये जो चीज़ें हैं, ये सारी कांच, ये सब चीज़ें आपको कांच वाले दुकान में मिल जाएगी, जो कि बड़ा ही आपको लेके जाएगा आपके मार्केट में और वो आपको खरीदवा देगा। और ये जो चीज़ है, मैं जब लिया था तो मुझे ये 1500 का पड़ा था, ये पाइप, ये पूरा लंबा नीचे से लेकर के और ऊपर तक, और इसके अंदर जो ये ग्रिप लगी है, इसके अंदर ये नट लगी है,
ये सब सेट बता रहा हूँ, एक में एक दो तीन चार पाँच छः ग्रिप लगी है, तो छः ग्रिप के साथ में ये टोटल मुझे इतने में पड़ा था कि मैं इसको 1500 में लाया था एक ठन। तो ये पूरा सेटअप मुझे लगभग 30-35 हज़ार का ये पाइप पड़ा था, और कांच भी 30-35-60 हज़ार, मतलब टोटल मिला जो लग ओवरऑल देखूँ तो 80-90 हज़ार में मेरा पूरा बढ़ई का खर्च। बढ़ई ने मुझे 10 हज़ार लिया था ये सारा कुछ करने का, ये सारा सेटअप वगैरह उसने बनाया, ये सब बनाया, ये आगे काउंटर वगैरह सब कुछ बना के मेरा टोटल खर्च लगभग 90 या 95 हज़ार आया था पूरा कंप्लीट। और ये अलग से मैंने चेयर वगैरह मंगाया, इसका तो मैं खर्च जोड़ नहीं, तो ये सब मिला के 90-95 में पूरा कंप्लीट हो गया मेरा। तो ये काफ़ी कम बजट था आज से 2 साल पहले का। अभी मैं सोच रहा हूँ इसको कस्टमाइज कराने का, प्लाई वाला जो मैंने बताया उस टाइप से दुकान लगाने का, और मैं तो सोच रहा हूँ कि दुकान ही चेंज करके दूसरे जगह दुकान खोलूँ और बड़ा दुकान खोलने का प्लानिंग कर रहा हूँ। तो जो भी हो, तो ये इस टाइप का आप दुकान अपना बनवा सकते हो। इसके अलावा आपको एक और ट्रिक आता है जो सस्ते में सबसे आसान तरीके से निपट सकता है, जिसके पास बिल्कुल बजट नहीं है, अच्छा दुकान दिखे, उसके लिए क्या है, आपको ये कांच लेना है। कांच कितना, ये जो है हमारा 12 mm का कांच है, इससे एक पतला आता 8 mm जो कि इतना पतला रहता है, तो 8 mm का कांच आपको रखना है, क्योंकि इस पर कितना रखोगे, मोबाइल ही का तो वजन रखना है ना, तो काफ़ी है। 8 mm का कांच लीजिए, और दीवार के अंदर एक आता है ग्रिप, ग्रिप कैसा आता है, एक लंबा ग्रिप आता है, ऐसा लंबा रहेगा, उसके ऊपर कांच बैठेगा, दोनों साइड ग्रिप लगा देंगे लंबा वाला, और एक ग्रिप ऐसा वाला आता है जो आपको मैंने पहले दिखाया, ये भी दीवार में फिट होगा, इसके अंदर कांच फिट हो जाएगा, और पतला पतला कांच रहेगा तो आप आसानी से इसमें 3 या 4 ग्रिप लगा के कांच को फिट कर सकते हो, अगर आपका 8 mm का कांच है और आपका हाइट इतना छोटा है। तो मोबाइल दुकान के लिए उतना काफ़ी है, बाकी आपका खाली जगह में एक जगह आपका कुछ इस प्रकार का सेटअप बन सकता है, कवर वगैरह वाला इस तरह का जाली आप मंगा सकते हो, और जाली मंगा के आप उसको भी सेटअप करवा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना दुकान का सेटअप करवा रहे हो। सबसे सस्ता जो है वो यही है कि आपका 8 mm का कांच हो, और ये इतना पतला हो लगभग यहाँ तक हो, इतना चौड़ा हो कांच लगभग, कि एक मोबाइल और थोड़ा सा जगह बच जाए और एक मोबाइल आ जाए, और उसके बाद से आपका पतला हो और उसमें ग्रिप लगा दो, और सबसे बेस्ट है लंबा वाला ग्रिप, क्योंकि वो ये पतला ग्रिप और लंबा ग्रिप एक ही रेट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लंबा वाला ग्रिप लेना है, दो ग्रिप लगेगा दो कोने पे और एक कांच बैठ जाएगा, फिर उसके बाजू में एक ग्रिप लगेगा, एक ग्रिप लगेगा उसके ऊपर एक कांच बैठ जाएगा। इस तरीके से आपका एक सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीके से दुकान तैयार हो जाएगा, और मिस्त्री का भी खर्च ज़्यादा नहीं आएगा। खैर काउंटर में तो आपको लगेगा ही, माइका वगैरह तो काउंटर के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सेटअप है दुकान का, बाकी मैंने कोशिश किया अपने तरफ से सब कुछ इसमें बताने का इस सेटअप के बारे में। हाँ, एक समस्या रहती है कि इस कांच के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा बैठता है, आप आज साफ करोगे कल इसके ऊपर पूरा डस्ट फिर से बैठ जाएगा, फिर हाथ में देखोगे तो आपको पूरा डस्ट डस्ट दिखाई देगा, देख सकते हैं आप ये कितना डस्ट है। तो ये समस्या आपकी कोई मतलब ख़त्म होने वाली नहीं है, आप जितना साफ करो हमेशा साफ करो तो जाके सॉल्व होगा। तो यही था बस, और कुछ अगर आपके मन में हो सवाल तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, बाकी मैंने कोशिश किया अपने तरफ से सब कुछ बताने का। आपके मन में कोई सवाल है तो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।